लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन का नाम सुनकर हम समझ जाते हैं कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन का क्राइटेरिया है, क्योंकि इसके अंदर पोकेमॉन वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन आते हैं। लेकिन आगे जाकर हमें यह पता चलता है कि लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन के अंदर भी कुछ ऐसे भी पोकेमॉन एग्जिस्ट करते हैं जो काफी ज्यादा कमजोर है, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कॉस्मोक। सो हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे पोकेमॉन्स के बारे में जो लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन होने के बाद भी काफी ज्यादा कमजोर है। तो हाँ गाइस, वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, इसलिए प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, और वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलिए गाइस, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। नंबर 10, रजिट्रैव। तो गाइस, रजिट्रैव में आते हैं रजिस, रजिस्टील और रजिरॉक। गाइस, ये तीनों ही पोकेमॉन लेजेंडरी पोकेमॉन है, और इन तीनों को एनिमे के अंदर काफी कमजोर दिखाया गया है। प्लस इन तीनों को काफी कम स्क्रीन टाइम मिला है, जो कि ये बताते हैं कि ये तीनों ही पोकेमॉन काफी कमजोर है, क्योंकि एनिमे के अंदर तो इनके ऊपर नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन भी भारी पड़ गए थे। तो गाइस, यही रीजन है कि रजिट्रैव आती है नंबर 10 पे। नंबर 9, सिल्वेली। गाइस, सिल्वेली को इंट्रोड्यूस करवाया गया था अलोला रीजन में, जो कि पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे अंडररेटेड रीजन है। अब अंडररेटेड क्यों है ये मैं और आप काफी अच्छी तरह से जानते हैं उसके एनिमेशन स्टाइल की वजह से, लेकिन फिर भी सिल्वेली के डिजाइन को काफी ज्यादा औसम बनाया है, जो कि काफी लोगों को पसंद भी है। और एक लेजेंडरी पोकेमॉन का डिजाइन ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन अच्छे डिजाइन से कोई पोकेमॉन स्ट्रांग तो नहीं बन जाता, और ये चीज सिल्वेली के साथ हुई है। सिल्वेली के डिजाइन को बनाया तो अच्छा है, लेकिन वो पोकेमॉन स्ट्रांग नहीं है। जिस तरह से एक लेजेंडरी पोकेमॉन को स्ट्रांग होना चाहिए, उस तरह से सिल्वेली बिल्कुल नहीं है। एनिमे के अंदर सिल्वेली का परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि एनिमे के अंदर तो ऐश के पिकाचू ने भी सिल्वेली को हरा दिया था। हाँ गाइस, मानता हूँ कि ऐश का पिकाचू बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि सिल्वेली एक लेजेंडरी पोकेमॉन है। गाइस, अगर आप सिल्वेली को नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन के साथ कंपेयर करोगे तो वो स्ट्रांग पोकेमॉन रहेगा, लेकिन अगर आप उसे लेजेंडरी पोकेमॉन के साथ कंपेयर करोगे तो वो काफी ज्यादा वीक पोकेमॉन रहेगा। और वो क्यों रहेगा ये आपको काफी अच्छी तरह से पता है। नंबर 8, ज़ेरोरा। सो गाइस, ज़ेरोरा एक मिथिकल पोकेमॉन है, और इस पोकेमॉन को भी इंट्रोड्यूस करवाया गया था अलोला रीजन में। गाइस, माना कि सिल्वेली काफी कमजोर पोकेमॉन है लेजेंडरी पोकेमॉन में, लेकिन उसे देख के ऐसा लगता भी है कि वो एक लेजेंडरी पोकेमॉन है। उसके डिजाइन को ऐसा बनाया गया है, और ज़ेरोरा को देख के लगता नहीं कि वो एक मिथिकल पोकेमॉन है। और अगर आप लोगों ने अलोला रीजन पूरा देखा तो आप लोग को पता होगा कि ज़ेरोरा को कितना कम स्क्रीन टाइम मिला है एनिमे के अंदर, एंड इसी चीज की वजह से ज़ेरोरा की परफॉर्मेंस भी कुछ खास अच्छी नहीं रही है, और ज़ेरोरा के मूव्स भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। गाइस, अगर मैं सच कहूँ तो ज़ेरोरा के पास सिर्फ एक ही चीज़ है जो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, वो है उसका स्पीड। गाइस, ज़ेरोरा की स्पीड काफी ज्यादा है, लेकिन कोई पोकेमॉन स्पीड से मैच को नहीं जीत सकता, इसीलिए मैंने ज़ेरोरा को रखा है नंबर 8 पे। नंबर 7, मैनेफी। सो मुझे नहीं लगता कि मैनेफी के बारे में मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है, क्योंकि इस पोकेमॉन के बारे में आप सभी काफी अच्छी तरह से जानते हैं कि ये पोकेमॉन कितना स्ट्रांग है। गाइस, मैनेफी को काफी कम बार दिखाया गया है एनिमे के अंदर, और जितनी बार दिखाया गया उन सब में भी मैनेफी ने ढंग का परफॉर्मेंस नहीं दिया है। गाइस, मैनेफी है तो एक वाटर टाइप पोकेमॉन, लेकिन इसके पास वाटर टाइप का एक भी स्ट्रांग मूव नहीं है, तो इसीलिए गाइस मैंने रखा है मैनेफी को नंबर 7 पे। नंबर 6, विरिजियन। सो गाइस, विरिजियन एक ग्रास टाइप का पोकेमॉन है, और ये एक लेजेंडरी पोकेमॉन है। हाँ गाइस, जानता हूँ कि देख के नहीं लगा होगा, लेकिन सच्चाई तो यही है कि ये एक लेजेंडरी पोकेमॉन है। गाइस, विरिजियन मेंबर है स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस का। गाइस, स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस में कोबेलियन और टेरेक्यन भी आते हैं, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। हाँ गाइस, जानता हूँ कि उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन फिर भी गाइस इतने तो स्ट्रॉन्ग है कि कम से कम वीकेस्ट पोकेमॉन में उनका नाम नहीं आता। वैसे गाइस, क्या आपको भी मेरी तरह कैल्डियो ज्यादा ताकतवर लगता है विरिजियन से? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 5, टाइपनल। गाइस, अब देखा जाए तो मुझे नहीं पता कि टाइपनल का अपीयरेंस हुआ है एनिमे के अंदर कि नहीं, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि मैंने एनिमे के अंदर कभी भी टाइपनल को नहीं देखा है। अगर गाइस आप लोगों ने कभी टाइपनल को एनिमे के अंदर देखा है तो मुझे नीचे कमेंट बता देना, और इस एपिसोड का नाम भी बता देना, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि टाइपनल का अपीयरेंस कभी नहीं हुआ है। हाँ, मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, बट मुझे तो यही लगता है। अब ज़्यादातर लोग ये कहेंगे कि अगर तूने उसे कभी भी एनिमे के अंदर नहीं देखा है तो तू ये कैसे कह सकता है कि वो एक वीक पोकेमॉन में से एक है। गाइस, इसका सीधा सा आंसर है सिल्वेली, क्योंकि टाइपनल का फाइनल इवोल्यूशन है सिल्वेली, और अगर सिल्वेली टॉप 10 वीकेस्ट पोकेमॉन में आ सकता है तो टाइपनल क्यों नहीं आ सकता। नंबर 4, फियोन। गाइस, फियोन भी एक तरफ से मैनेफी जैसा ही है, क्योंकि फियोन और मैनेफी में ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि मैनेफी के पास ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूव है फियोन से, और मैनेफी की तरह ही फियोन को भी काफी कम स्क्रीन टाइम मिला है एनिमे के अंदर, और गाइस फियोन को एक स्ट्रॉन्ग नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन आराम से हरा देगा, तो इसीलिए फियोन डिजर्व करता है नंबर 4 पोजीशन। नंबर 3, क्रेसेलिया। सो गाइस, क्रेसेलिया एक तरफ से डार्कराय की अपोजिट है, क्योंकि डार्कराय का काम है लोगों को डरावने सपने दिखाना, और वहीं पर क्रेसेलिया का काम है लोगों को डरावने सपने की जगह अच्छे सपने दिखाना। डार्कराय का अपोजिट होने के बाद भी क्रेसेलिया डार्कराय जितनी स्ट्रांग नहीं है, डार्कराय जितनी क्या, डार्कराय की आधी भी नहीं है।
क्योंकि डार्करा ने लेजेंडरी पोकेमॉन डियाल्गा और पालकिया को भी काफी अच्छी तरह से हैंडल कर लिया था। तो आप समझ सकते हैं कि डार्करा की पावर कितनी ज्यादा होगी। लेकिन वहीं पर क्रेसेलिया बहुत ज्यादा कमजोर पोकेमॉन है। डार्करा जितना ज्यादा ताकतवर पोकेमॉन है, क्रेसेलिया उतनी ही ज्यादा कमजोर पोकेमॉन है। और गाइस, क्रेसेलिया के कमजोर होने के पीछे दो रीजन है। पहला रीजन तो ये कि उसे काफी कम स्क्रीन टाइम मिला है, और दूसरा रीजन ये है कि उसके अटैक इतने स्ट्रांग है नहीं। सो यही दो रीजन है जिसकी वजह से क्रेसेलिया एक वीकेस्ट पोकेमॉन है। नंबर टू, कॉस्मोइम। सो गाइस, कॉस्मोइम जो कि कॉस्मोक का विकसित रूप है, और कॉस्मोइम आगे जाके सोलगैलियो और लूनाला जैसे मैस्कॉट लेजेंडरी पोकेमॉन में इवॉल्व होता है। और इन दोनों की ताकत कितनी ज्यादा, ये मैं और आप काफी अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि सोलगैलियो और लूनाला अलोला रीजन में सेकंड और थर्ड सबसे स्ट्रांग पोकेमॉन है। और वहीं पर इनके प्री इवोल्यूशन यानी कि कॉस्मोइम इतना कमजोर पोकेमॉन है। गाइस, कॉस्मोइम के पास सिर्फ दो ही मूव है, जो कि है टेलीपोर्ट और कॉस्मिक पावर। अब ये दोनों मूव कितने स्ट्रांग है ये हम काफी अच्छी तरह से जानते हैं। गैस, पता नहीं ये दोनों मूव लेकर ये किसको हराएगा। तो हाँ, यही वजह है कि ये आता है नंबर टू पे। सो गैस, फाइनली बढ़ते हैं नंबर वन पे। सो गैस, पूरे लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन में जो पोकेमॉन सबसे ज़्यादा वीक है वो है कॉस्मोग, यानी कि कॉस्मोइम का भी प्री इवोल्यूशन। गैस, कॉस्मोग के पास सिर्फ दो मूव है, जो कि है टेलीपोर्ट और एक दूसरा स्प्लैश, जो कि मैजिक आपका सिग्नेचर मूव है। अब बहुत लोग ये सोचेंगे कि आखिर मैंने कॉस्मोइम को कॉस्मोक से पीछे क्यों रखा और कॉस्मोक को आगे क्यों रखा, क्योंकि दोनों के पास ऐसे मूव है नहीं कि वो किसी पोकेमॉन को हरा पाए। दोनों के पास बिना काम के मूव है, तो मैंने आखिर कॉस्मोक को आगे क्यों रखा। गैस, इसका रीज़न ये है कि मैंने इन दोनों को कंपेयर किया है, तो वो है स्टैट्स पे, क्योंकि कॉस्मोइम के पास जो स्टैट्स है वो है 400 और वहीं पर कॉस्मोक के स्टैट्स है 200। तो हाँ, मैंने इन दोनों की रैंकिंग स्टैट्स पे की है। गाइस, कॉस्मोइम और कॉस्मोक के पहले मैंने जितने भी पोकेमॉन के नाम लिए हैं, उन सभी पोकेमॉन के पास ऐसा कोई मूव था जिससे वो पोकेमॉन को हरा सकते हैं, जिससे सामने वाले पोकेमॉन को डैमेज पड़ेगा। लेकिन ये दोनों पोकेमॉन, इन दोनों के पास तो ऐसा कोई मूव ही नहीं जिससे सामने वाले पोकेमॉन को डैमेज पड़े। तो यही वजह है कि ये दोनों पोकेमॉन है पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड के सबसे वीकेस्ट पोकेमॉन, पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में नहीं, लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन में। तो गलत मत समझना। सो चलिए गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए, और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर देना, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए गाइस, मिलता हूँ अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ।